प्रोजेक्ट को बनाने का हमारा मोटिव है, हम यहाँ से पॉजिटिव टू निगेटिव वोल्टेज को कन्वर्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर मैं ये भी कहूँ कि हम ड्यूअल पावर सोर्स में इसको यूज कर सकते हैं, एक जगह मैं पॉजिटिव सप्लाई को मैं यूज कर सकता हूँ और दूसरी जगह मैं निगेटिव सप्लाई को यूज कर सकता हूँ। बेसिकली यहाँ मेरे प्रोजेक्ट का बनाने का मोटिव यही है, अगर कहीं पर हमें ड्यूअल पावर सोर्स या ड्यूअल पावर सप्लाई हमें चाहिए होगा तो उस जगह के लिए हमने इसको बनाया है। जैसे हमने यहाँ पे एक पावर सप्लाई बनाई है जो हमारा 9 वोल्ट का पावर सप्लाई है यहाँ पे, जो हमें पॉजिटिव 9 वोल्ट देगा। साथ ही साथ मैंने वहाँ से एक 555 टाइमर और कुछ कंपोनेंट कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का यूज करके हमने एक आउटपुट लिया है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दो वायर हमें दिखाई दे रहा है जहाँ से हमें निगेटिव पावर सप्लाई मिलेगा। हाँ, निगेटिव पावर सप्लाई जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9 वोल्ट का आउटपुट है तो 9 वोल्ट हमें नहीं मिलने वाला यहाँ से, यहाँ से 9 वोल्ट से -1.5 वोल्ट के आसपास मिलेगा, यानी जो भी आप 7-8 सीरीज का यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर लगाएंगे उससे 1.5 वोल्ट कम ही आपको यहाँ पे मिलेगा निगेटिव में। जैसे अगर मैं आपको चेक करा दूँ, मैंने मल्टीमीटर लगा रखा वहाँ पे, मैंने ऑन किया जैसे सप्लाई, यहाँ देख रहे हैं 5 वोल्ट का आउटपुट आपके पास आ रहा है। अगर मैं इसी को मैं इस समय इसके आउटपुट पर मैं चेक करूँ कितना आउटपुट है, 6.39 वोल्ट आउटपुट हमारा दे रहा है, क्योंकि बैटरी मेरा ऑलरेडी 9 वोल्ट की बैटरी है, वोल्टेज ड्रॉप होता है हमारा, इस वजह से यहाँ 9 वोल्ट मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है, वोल्टेज कुछ कम मिल रहा है, इस वजह से मुझे यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। अगर मैं यहीं पे एडाप्टर का यूज करूँ, मैं यहाँ से मैं इसकी सप्लाई को निकाल देता हूँ और एडाप्टर यूज करता हूँ, आप मल्टीमीटर पे शो देख रहे हैं कुछ वोल्टेज शो कर रहा है, वो इसने शो करा कि कैपेसिटर में वोल्टेज हमारा ऑलरेडी स्टोर्ड है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके आउटपुट पे मुझे 9 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पे 9 वोल्ट मिल रहा है और यहाँ पे 7.5 वोल्ट के आसपास निगेटिव सप्लाई हमें मिल रहा है यहाँ पे। आप चाहें तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं एक बार, ठीक है, जो आउटपुट इसमें 9 वोल्ट के आसपास है, जब यहाँ आउटपुट 9 वोल्ट के आसपास है तो हमारा जो आउटपुट है 7.5 वोल्ट के आसपास है, ठीक है। तो ये हम पावर सप्लाई बनाए हैं, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पावर सप्लाई है यहाँ पे, आप पॉजिटिव चाहें तो पॉजिटिव यूज कर सकते हैं, निगेटिव चाहें तो निगेटिव यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले तो हम कंपोनेंट को देख लेते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो सबसे मेन पार्ट है जो कंपोनेंट का वो है हमारा पीसीबी बोर्ड, बोथ साइड हम देख सकते हैं, टॉप लेयर एंड दिस इज बॉटम लेयर। कंपोनेंट के बारे में हमने इतने सारे कंपोनेंट की लगा रखे हैं, वैरायटी ऑफ कंपोनेंट में रख रखा है, जैसे रेजिस्टेंस कई सारे लगे हैं तो हमने एक रखा है, डायोड दो लगे हैं तो एक रखा है, कैपेसिटेंस तीन लगे हैं तो एक रखा है। हम सिर्फ आपको वैरायटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप हमारा किट ये परचेज करते हैं उस समय हम आपको लेआउट आपको प्रोवाइड करते हैं कंपोनेंट का लेआउट, जिससे आपको पता होता है किस पीसीबी बोर्ड पे कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगाना है और किस वैल्यू का लगाना है। हम आपको इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दे रहे हैं, लेकिन बाकी इन्फॉर्मेशन तो आपको हमारे किट लेने के बाद ही आपको पता चलता है कैसे आप इसे यूज करेंगे। ये हमारा कंपोनेंट, जो ये है पावर जैक, पीसीबी माउंट, डीसी पावर जैक बोलते हैं इसको, जो देख सकते हैं हम यहाँ पे ऐसे लगाते हैं इसको। इसके बाद हमारा दूसरा कंपोनेंट है वो है स्विच, जो मेरा पावर सप्लाई ऑन ऑफ करने के लिए होता है, जो कि सिंपली आप यहाँ पे लगा सकते हैं, देख रहे होंगे जैसे मैंने लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, और दूसरे साइड आप क्या करेंगे इसको सोल्ड करेंगे। ध्यान दे रहे हो दूसरे साइड में 6 पिन का कनेक्टर है ये, लेकिन सिर्फ 2 ही पिन हमारे कनेक्टेड हैं बोर्ड से, बाकी 4 पिन हमारे क्या हैं, ओपन हैं, यानी 6 पिन में केवल 2 पिन यानी एक स्विच का यूज कर रहे हैं हम लोग इसमें, इसलिए आप 2 पिन को सोल्ड कर सकते हैं, चाहो तो 6 पिन को सोल्ड कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर सेम कंपोनेंट है जो आप लोग 4 डायोड यूज करके बनाते थे, मैं जूम कर रहा हूँ दिखाने के लिए। 4 डायोड आपको याद होगा तो उसमें आप कहते थे पॉजिटिव, निगेटिव एंड एसी सिंबल। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ मेरा इसमें पॉइंटर जा रहा है ये पॉजिटिव, दूसरे एंड पे निगेटिव, यहाँ और यहाँ हमारा एसी इनपुट है, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव और एसी इनपुट। 4 डायोड को यूज करके बनाते थे उस समय भी, उसमें 2 पिन हमारे पॉजिटिव निगेटिव होते थे और 2 पिन हमारे एसी इनपुट होते थे।
सेम उसी तरह आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो मैं दिखा रहा हूँ आपको कंपोनेंट में, कंपोनेंट में जहाँ पे मेरा पॉइंटर इस समय इंडिकेट कर रहा है वो हमारा पॉजिटिव पॉइंट आप देख पा रहे हैं, दूसरे एंड पे निगेटिव, इधर और इधर दोनों टाइप मेरा एसी इनपुट है। आप यहाँ पे पिन में भी देखेंगे तो हमारा एक पिन आप बड़ा देख रहे हैं, बाकी तीन पिन हमारे छोटे हैं। तो जो बड़ा पिन है वो पॉजिटिव, या कह सकते हैं पॉजिटिव सिंबल जो लिखा हुआ प्रिंटेड है इसके जस्ट नीचे वाला पिन हमारा क्या है, पॉजिटिव है। लगाते समय हम ध्यान रखेंगे जिस डायरेक्शन में इसका पॉजिटिव है उसी डायरेक्शन में बोर्ड पे इसका पॉजिटिव रखेंगे। आप देखिए कैसे लगाएंगे, आपने यहाँ पे देख रहे हैं ये नीचे की तरफ आया, जैसे आपने एक पिन आपने सेट किया रिमेनिंग जो तीन पिन इसके बचते हैं ऑटोमेटिकली अपने प्लेस पे पहुंच जाते हैं। जैसे इस समय देख सकते हैं दोनों के पॉजिटिव क्या हैं, सेम डायरेक्शन में हैं। तो लगाते समय बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और जब कंपोनेंट लगाएं तो इसको बोर्ड पे प्रॉपरली देखेंगे, बिल्कुल प्रॉपर बोर्ड पे चिपका होना चाहिए, हवा में नहीं होना चाहिए। और दूसरे साइड में दिन क्या करेंगे आप, पिन को काटते हुए आप सोल्डरिंग कर लेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वो है कैपेसिटर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक स्ट्रिप बना हुआ है, इस पे ये इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है। दो तरह के कैपेसिटर यहाँ यूज किए गए हैं, ये और ये तीन इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर हैं, और यहाँ पे एक ये और एक ये, दो आपके सिरेमिक कैपेसिटर हैं। सिरेमिक कैपेसिटर में कोई पोलैरिटी नहीं होता जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर में पोलैरिटी होती है, पॉजिटिव निगेटिव होते हैं इसमें। तो वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जैसे बड़ा पिन हमारा पॉजिटिव छोटा पिन निगेटिव, लेकिन साथ ही साथ सिंबल बना होता है स्ट्रिप का, ये स्ट्रिप जिस तरफ है वो क्या होगा निगेटिव, और दूसरा पिन हमारा क्या होगा पॉजिटिव, जिधर ये स्ट्रिप है उसके जस्ट नीचे वाला पिन हमारा निगेटिव है। जैसे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे बोर्ड पे आप देख सकते हैं ये इसका स्ट्रिप बाहर की तरफ बना है यानी निगेटिव पिन इधर होगा, इसका स्ट्रिप इधर बना है यानी निगेटिव पिन इस तरफ है, इसका स्ट्रिप इधर बना है यानी निगेटिव पिन किधर है इस तरफ है। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे कैपेसिटर को लगाते समय कि किधर पॉजिटिव है किधर निगेटिव है उसका, ठीक है। सिरेमिक कैपेसिटर में कोई पोलैरिटी नहीं होता, जिस प्लेस पे लगा हुआ है आप डायरेक्टली माउंट कर दीजिए, कोई पोलैरिटी की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो है एलईडी। एलईडी में पोलैरिटी होता है पॉजिटिव निगेटिव, हम इसमें देखते हैं कैसे पता करेंगे कौन सा पिन पॉजिटिव कौन सा पिन निगेटिव है। तो उसके सबसे आसान तरीका होता है हम कहते हैं जो बड़ा पिन है वो पॉजिटिव जो छोटा पिन है वो निगेटिव। कई बार अगर लोग पिन काट दें तो हमें कन्फ्यूजन होती है, या इस बोर्ड पे लगे कंपोनेंट को देख के मैं बताऊं कौन सा पिन पॉजिटिव निगेटिव है तो पॉसिबल नहीं होता। दूसरा तरीका होता है हम मल्टीमीटर से टेस्ट कर लें। मल्टीमीटर को हम डायोड के पॉइंट पे ले आएं, जैसे मैंने भी डायोड पे सेट कर रखा है, इसको देख सकते हैं आप यहाँ पे, और रेड प्रोब और ब्लैक प्रोब से आप देख सकते हैं। मैंने ब्लैक प्रोब को एक पिन से लगाया और रेड प्रोब को मैंने दूसरे पिन से लगाया, और मेरा एलईडी अगर ग्लो कर रहा है तब तो सही है, अगर ग्लो नहीं कर रहा है फिर हम पोलैरिटी चेंज करेंगे दोनों का, यानी कि रेड प्रोब को मैंने दूसरे पिन से लगाया और ब्लैक को दूसरे से लगाया। और अगर मेरा एलईडी ग्लो कर रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं ग्लो कर रहा है इस समय, तो जिस पिन से मेरा रेड प्रोब लगा हुआ है वो पिन हमारा क्या है पॉजिटिव, और जिस पिन से हमारा ब्लैक प्रोब लगा हुआ वो पिन क्या है निगेटिव। एक तो तरीका ये हो गया पहचानने का जो हम मल्टीमीटर से पहचानते हैं। इसके अलावा एक तरीका और है जिससे हम पहचान सकते हैं एलईडी के बारे में कौन सा पिन पॉजिटिव है कौन सा पिन निगेटिव। एलईडी के नीचे एक रिंग बना होता है, जब रिंग को आप टच करेंगे देखेंगे इसमें एक साइड फ्लैट आता है, आप देख रहे होंगे मैंने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें आपको, ठीक है। एक साइड फ्लैट है यहाँ पे, फ्लैट साइड के जस्ट नीचे वाला पिन क्या होता है निगेटिव। फ्लैट साइड के जस्ट नीचे वाला पिन निगेटिव। यहाँ पर जो एलईडी लगाया गया है उसका निगेटिव इधर है, यानी फ्लैट साइड जो है वो यहाँ पे है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जूम करके आपको दिखाने का, इधर इसका फ्लैट साइड है इधर, यानी इस तरफ इसका निगेटिव लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा है 555 टाइमर, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है। ये 8 पिन का आईसी है, ये है 8 पिन का आईसी। हमने आईसी सोल्ड नहीं किया है डायरेक्टली, हमने आईसी का बेस लगाया है। तो जब भी आप भी सोल्डरिंग करेंगे आपके किट में बेस रखा हुआ है, आप बेस लगाएंगे और दूसरी तरफ क्या करेंगे आप सोल्ड कर लेंगे, बेस लगाया और दूसरी तरफ उसको सोल्ड कर लेंगे। बेस हम इसलिए लगाते हैं कई बार सोल्डरिंग करते समय हमारा कंपोनेंट हीट हो जाता है जिससे वो खराब हो सकता है, इसीलिए हम बेस लगाते हैं ताकि कंपोनेंट को ना सोल्ड करके बेस को सोल्ड करें, और अगर हीट होता भी है तो हमारा कंपोनेंट सेफ रहेगा।
कंपोनेंट को लगाते समय ध्यान रखते हैं इसको कि हम पिन नंबर देखते हैं कौन सा पिन नंबर हम किधर लगाएंगे। तो पिन नंबर काउंट करने के लिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सक रहे होंगे यहाँ पे एक नॉच आपको दिखाई दे रहा होगा। नॉच मीन्स एक यू टाइप का कटा हुआ होता है। नॉच का लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर वन होता है, पिन नंबर वन टू थ्री फोर एंड एक यू बनाते हैं, फोर के बाद फाइव सिक्स सेवन एट, यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है ऐसे हम बनाते हैं। आप कहेंगे कि इस कंपोनेंट में नॉच किधर है, यहाँ बोर्ड पे जो हमने लगाया है उधर उसका पिन नंबर वन कौन सा है, नॉच किधर है, आप देख पा रहे होंगे नॉच हमारे पॉइंटर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, यानी इस ब्रिज रेक्टिफायर की तरफ इसका नॉच है और ये लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यानी वन टू फोर फाइव टू एट, इस तरीके से हम लगाते हैं। एक कंपोनेंट और है यहाँ पे, ये है वोल्टेज रेगुलेटर, हमने यहाँ पे 7809 का यूज किया है। तो इसको लगाने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर के फेस जिस पे कुछ लिखा होता है उसको हम अपनी तरफ करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर वन, बीच वाला पिन नंबर टू, सबसे साइड पिन नंबर थ्री, पिन नंबर वन इनपुट, पिन नंबर दो ग्राउंड और पिन नंबर थ्री हमारा होता है आउटपुट। तो आप देख रहे होंगे बोर्ड पे हमने कैसे इसको लगाया है, आप ऐसे ही माउंट करेंगे बोर्ड के ऊपर, आप लगाते समय ध्यान रखेंगे ऐसे लगाएंगे, ठीक है। और इसका जो पीछे का हिस्सा है ये ऑलरेडी ग्राउंड से करने, जो भी मेटेलिक हिस्सा वो ग्राउंड होता है, तो कई बार हम चेक करते समय हम इसको भी ग्राउंड मान लेते हैं, ठीक है, लगाते समय हम ध्यान रखेंगे। अगर हमने कनेक्शन प्रॉपर किया है, सारी सोल्डरिंग सही किए हैं, तो ये हमारा प्रोजेक्ट 100% चलेगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट एक कंपोनेंट और रह गया है, वो है मेरा डायोड, जो चार डायोड यूज करके हम बनाते हैं, 1N007 यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, देख सकते हैं हमने दो डायोड यहाँ पे लगाए हैं, हमने कनेक्टर यूज किया था वहाँ पे, मैं इसको दिखाना चाह निकाल दिया मैंने दिखाने के लिए, मैं जूम कर रहा हूँ, मैक्सिमम जूम करना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए। दो डायोड लगा है, एक यहाँ और एक यहाँ, सेम वैल्यू का डायोड है। डायोड के साथ आप देख रहे होंगे यहाँ पे सिल्वर स्ट्रिप है, ब्लैक कलर का डायोड है, आगे सिल्वर स्ट्रिप है, ये भी ब्लैक कलर का डायोड है और आगे क्या है, एक सिल्वर स्ट्रिप है, जो देख रहे होंगे यहाँ पे दोनों डायोड में सिल्वर स्ट्रिप क्या होता है हमारा निगेटिव, एक का निगेटिव इधर है दूसरे का निगेटिव इधर है, जैसा कि आप हमारी डायोड को देख रहे हैं, देख रहे हैं सिल्वर स्ट्रिप, इधर हमारा सिल्वर स्ट्रिप है, तो ये हमारा क्या है, निगेटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप कनेक्शन करते हैं तो ये प्रॉपर चलेगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।